नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। आइए सुबह गुड मॉर्निंग सभी को, और आज की बात शुरू करते हैं चाय के साथ। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए किस राज्य सरकार के दो बच्चों के पात्रता मानक को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मंजूरी दी है। याद रखिएगा, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जो फैमिली प्लान है फैमिली प्लान जो भारत सरकार ने चलाया था, जिसका नारा था हम दो हमारे दो, इसे बहुत से राज्यों ने माना हुआ है। और आपको सरकारी नौकरी इन राज्यों में अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार में एक पूर्व सैनिक ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चेतावनी चुनौती दी थी राज्य शासन के खिलाफ, लेकिन राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि अगर आप सरकार के दो बच्चों के मानकों को पात्रता मानकों को मानते हैं तो ही आपको नौकरी दी जाएगी, अन्यथा आपको सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है ये गया था राजस्थान का। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश ने चालू किया था और अभी राजस्थान सरकार की तरफ से ये घोषणा, राजस्थान सरकार ने इस पर अपना सख्त निर्णय लिया है। इसे हालांकि शुरुआत में 1998 की सरकार ने शुरू किया था, 2018 में वसुंधरा राजे सरकार ने इसे बंद कर दिया था, वापस से इसे अब चालू कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो थोड़े बहुत फैक्ट अपन राजस्थान सरकार के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का गठन जो है वो 30 मार्च 1949 को हुआ है। कब हुआ है राजस्थान का गठन? 30 मार्च 1949 को हुआ है। राजस्थान की जो राजधानी है उसे क्या कहते हैं? जयपुर कहते हैं। इसीलिए देखिए अपन पिंक का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और जयपुर जो है वो क्या कहलाती है? पिंक सिटी कहलाती है। ठीक है, पिंक सिटी कहलाती है, गुलाबी शहर है ये, गुलाबी शहर है। ठीक है, यहां पे जो रूल कर रही है वो कौन है? राजस्थान सरकार है। यहां के जो राज्यपाल है, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा जी हैं। राज्यपाल राजस्थान सरकार के कौन है? कलराज मिश्रा जी हैं। और अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां पे राजस्थान में अभी पहले कांग्रेस सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे वहां पे, और अभी हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट से भजनलाल शर्मा जी को वहां पे क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री पद पर स्थापित कर दिया गया है। और दो उप मुख्यमंत्री, याद रखेंगे दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक तो है सुश्री दिया कुमारी जी और दूसरे हैं श्री प्रेमचंद बैरवाज। ठीक है, तो ये दो लोग उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा की 25 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी। दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक दिया कुमारी जी हैं और दूसरे प्रेमचंद्र बैरवा जी हैं। ठीक है ना, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की इसमें 25 सीटें जो हैं वो निर्धारित की गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये राजस्थान का मैप है, आप इंडिया के नक्शे पे देखिए तो ये पूरा राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान जो है वो अलग अलग राज्यों से, आप यहां पे देखेंगे जो श्रीगंगानगर वाला इलाका है ये लगता है आपका पंजाब से, इधर ये भरतपुर और धौलपुर वाला जो इलाका है ये आपका लग जाता है किससे? हरियाणा से और दिल्ली से। ठीक है, उसके बाद यहां से सवाई माधोपुर ये वाला जो पूरा इलाका है ये जो है ये लगता है आपका एमपी से। ठीक है, ये एमपी से लगता है। इसी बीच ये जो बीच का इलाका रह रहा है ये लगता है आपका उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और इधर का जो इलाका है ये आपका लग जाता है किससे? गुजरात से। ठीक है, तो लगभग कितने राज्यों से लग रहा है? पंजाब से लग रहा है, हरियाणा से लग रहा है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लग रहा है, उत्तर प्रदेश से लग रहा है, मध्य प्रदेश से लग रहा है और गुजरात से लग रहा है। तो इतने राज्यों से राजस्थान जो है वो स्थापित है या घिरा हुआ है। ठीक है, चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल
जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं एनएसजी कमांडो जिन्हें कहा जाता है, एनएसजी कमांडो को हम और क्या कहते हैं, ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कैट्स कहते हैं। और ये ब्लैक कैट्स जो हैं या एनएसजी जो हैं वो किस मंत्रालय के अधीन माने जाते हैं, किसके अधीन माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत भारत की एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। इसकी जो स्थापना हुई थी आपको याद रखना चाहिए कि एनएसजी कमांडो की जो स्थापना है वो 1990 में हुई। और 1990 में कब हुई, क्यों की गई? क्योंकि एनएसजी उस समय एक आतंकवादी विरोधी निकाय के तौर पर इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आदर्श वाक्य किसका क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और इसकी जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई तभी इसकी स्थापना की गई थी। और ये गृह मंत्रालय के तहत है। किसके तहत है? गृह मंत्रालय के तहत भारत की एक आतंकवादी विरोधी इकाई है। ये देखिए, ये इसका लोगो है जिसमें ऊपर अशोक स्तंभ है, नीचे ये फूल पत्तियां हैं और जिसके बीच में ये एनएसजी लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे अपना ये लोगो लगा हुआ है। इसका आदर्श वाक्य लिखा हुआ है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, ये एक कमांडो है, ब्लैक कैट्स जिन्हें कहते हैं। आप देखिए इनकी वेशभूषा से आपको समझ में आएगा कि पूरी तरह से काले कपड़े को ऊपर से लेकर नीचे तक धारण किए हुए हैं। ठीक है ना, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट्स कमांडो कहा जाता है। चले आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है ना, तो वी शॉर्ट्स का जो परीक्षण किया है वो किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और डीआरडीओ ने इसे एक संगठन के साथ मिलकर बनाया है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। ठीक है ना, रिसर्च सेंटर इमारत, RCI, रिसर्च सेंटर इमारेट्स के साथ मिलकर बनाया है। आपको यह याद रखना है कि जो वी शॉर्ट्स है वो चौथी पीढ़ी का, कौन सी पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का मानव पोर्टेबल है। कैसा है ये? मानव पोर्टेबल सिस्टम है। ठीक है ना, ये मानवों द्वारा कैरी करके ले जाया जा सकता है। ये एक ऐसा पोर्टेबल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने रिसर्च सेंटर एमआरएट्स के साथ मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और जो डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि डीआरडीओ का जो गठन है वो कब हुआ था? 1958 में, 1958 में हुआ था। ठीक है, और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसमें कुल मिलाकर जो कर्मचारी हैं वो लगभग 30,000 के आसपास हैं, जिनमें से 5,000 जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। हर साल इसका रक्षा बजट अलग अलग आता है। इस बार का जो रक्षा बजट आया है वो 14,818.6 करोड़ रुपए है। ठीक है, और इस ये जो मंत्रालय है ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, सॉरी, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और रक्षा मंत्री कौन है? हमारे रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह है। ठीक है ना, कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, और इसका जो ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात बल का मूल क्या है? विज्ञान है। हम आज की दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है? जिसके पास साइंस सबसे ज्यादा डेवलप है। ठीक है ना, तो बल का, बलस्य बल का मूल क्या है? मूल मतलब आधार, बेसिक या बेस जो है वो क्या है? आपका विज्ञान है, साइंस है। ठीक है ना, जो विज्ञान है वही आपके बल का मूल है, ये इसका ध्येय वाक्य है। ठीक, इसके जो इस समय एजेंसी कार्यपालिक प्रेसिडेंट है या डीआरडीओ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है इस समय वर्तमान में? समीर वी कामत जी है। ठीक है ना, डॉक्टर समीर वी कामत जी है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। चले आगे बढ़े। ये डीआरडीओ के सहयोगी संगठन है। क्या है? डीआरडीओ के सहयोगी संगठन है। ठीक है, अब देख लीजिए, लगभग 11 हैं
डीआरडीओ के सहयोगी संगठन। सबसे पहला जो है वो है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। कौन सा है? एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? अनुराग कहा जाता है, ठीक है, और ये हैदराबाद में है। दूसरा है एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ये भी हैदराबाद में है। तीसरा है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, ये आगरा में है। चौथा है एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये बेंगलुरु में है। पांचवा है अर्नमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, पुणे। तो ऐसे ही ये 11 हैं जिन्हें आपको देख लेना है, ठीक है। ये सब अलग अलग जगह पे है, कुछ पुणे में है, कुछ बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में देखिए 3 है लगभग, हाँ 3 है। चौथा नंबर है, छठवां नंबर है सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, बेंगलुरु है। और सातवें नंबर पे सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो है वो बेंगलुरु पे है, ठीक है ना। दिल्ली पे एक है, दिल्ली में केवल एक ही है, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, ये दिल्ली पे है, ठीक है। चेन्नई पे भी एक ही है शायद, चेन्नई पे हाँ एक है, ठीक है। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चेन्नई पे है। मैसूर में डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है मैसूर में। और चंडीगढ़ में जो है ये एक सिंगल है चंडीगढ़ में भी, ठीक है। टर्मिनल बैलिस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी ये आपके यहाँ पे है चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन्हें देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है? यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को। तो अभी हाल ही में नागालैंड सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत पेंशन प्लान जो है वो राज्य शासन अपनी तरफ से देगा, एक निश्चित अमाउंट लिया जाएगा और उन्हें पेंशन प्रदान की जाएगी, ठीक है। चले राज्य नागालैंड के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नागालैंड की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1963 को हुई है। कब हुई है? 1 दिसंबर 1963 को हुई है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कोहिमा है, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दीमापुर है। कौन सा? दीमापुर, ठीक है। इसमें जिले जो है वो 12 है। राज्यपाल इनके जगदीश मुखी जी हैं। कौन है? जगदीश मुखी है। और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, ठीक है। यहां पर अलायंस है एनडीपीपी का और बीजेपी का। यहां पे नागालैंड डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी जो है वो ठीक है। तो एनडीपीपी नागालैंड डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का यहां पे इन्होंने अलायंस किया है। तो नेफ्यू रियो जो है एनडीपीपी के हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री के पद पर यानथुंगो पैटन को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिप्टी सीएम के पद पर वहां पे उसको बिठाया हुआ है, ठीक है ना। ये एक सदनी है, अर्थात केवल यहां पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। एक सदनी का मतलब होता है केवल विधानसभा का होना। जहां पे द्वि सदनी होंगी वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी, ठीक है ना। तो नागालैंड जो है वो एक सदनी अर्थात केवल विधानसभा है। और विधानसभा कितने सीटों की है? 60 सीटों की है। और ये याद रखिएगा कि यहां पर राज्यसभा की एक सीट है और लोकसभा की भी केवल एक सीट है। तो राज्यसभा और लोकसभा के लिए केवल एक एक सीटें हैं यहां पर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। अच्छा, अभी नागालैंड अपन ने पढ़ा है, तो आपको एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आप इस क्वेश्चन के आंसर हमें वीडियो देखने के बाद वहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चले इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन योजना जो किसने शुरू की है? तो स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन योजना किसने शुरू की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने चालू की है, ठीक है ना। और अभी जितने भी इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं अलग अलग बैंकों के, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, उन सभी में जो गोल्ड लोन का चल रहा है वो लगभग 15 से 18% है। और इन्होंने एक फिक्स अमाउंट 10.86% पे फ्लैट इन्होंने गोल्ड लोन देने की घोषणा की है, जिसके तहत ज्यादा लोगों का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, इनकी तरफ जाएगा। 10.86% वार्षिक दर पे इन्होंने इसे देने की घोषणा की है, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन योजना की शुरुआत की है। और जो विश्व स्वर्ण संस्थान है, जो यूनिवर्सल या वर्ल्ड गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अनुमान है कि भारतीय घरों में लगभग 27,000 टन सोना जो है वो रखा हुआ है,
ठीक है ना, होगा बिल्कुल ऐसा अपन मान सकते हैं, है ना, क्योंकि माताओं बहनों के पास पर्याप्त मात्रा में सोना रखा होता है अपनी सेफ्टी के लिए या पारिवारिक सुरक्षा के लिए लोग खरीदते हैं भारत में, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 27,000 टन सोना जो है वो भारत के घरों में रखा हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। यह है कोटक महिंद्रा बैंक, इसका जो उद्योग है ये वित्तीय सेवाओं के लिए है। इसकी स्थापना 1985 में उदय कोटक जी ने की थी, ठीक है ना। और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। इसके जो निर्देशक है वो उदय कोटक जी हैं और इसके एमडी या सीईओ जो है वो दीपक गुप्ता जी हैं, अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये उसका लोगो है, आप देख लीजिएगा, ये कोटक महिंद्रा बैंक का आपको साइन मिल जाएगा। चले नेक्स्ट। हाल ही में समाचारों में देखी गई ज्यूस जैकिंग क्या है, ये ज्यूस जैकिंग, ठीक है। आप लोगों की आदत है, हम सभी लोग कैसा करते हैं कि जब हम कहीं पे जाते हैं, किसी स्टेशन में जा रहे हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जगह पर जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रहा है, वहां पर कुछ लोग अपना जानबूझ के चार्जर पिन या चार्जर छोड़ के जाते हैं। केवल चार्जिंग के लिए वो काम नहीं हो रहा है, यदि वो यूएसबी केबल है वो चार्जिंग के अलावा किसके काम आती है, डाटा ट्रांसफर के भी काम आती है। किसके काम आती है, डाटा ट्रांसफर के भी काम आती है। तो उस डाटा केबल से आपके मोबाइल, लैपटॉप या पाम टॉप में या आपका जो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, उसमें मैलवेयर या वायरस इंजेक्ट कराया जा सकता है। और इसका जो सबसे पहले परीक्षण है या इसके बारे में जो सबसे पहले चर्चा है वो अमेरिका के एक व्यक्ति ब्रायन क्रेब्स ने की थी। किसने की थी, ब्रायन क्रेब्स ने की थी, ठीक है ना। ब्रायन क्रेब्स ने इसकी पूरी जानकारी जुटाई और इसके आधार पर बताया कि जो यूएसबी पोर्ट है वो आपका डाटा क्या करते हैं, लीक करते हैं या उस डाटा को कहीं भी किसी दूसरे अनधिकृत रूप से उसे बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ब्रायन क्रेब्स के द्वारा ही यह शब्द दिया गया था, ज्यूस जैकिंग, ठीक है ना। तो यह ज्यूस जैकिंग जो शब्द आया है वो कैसा है, एक साइबर अटैक है। क्या है, साइबर अटैक है और यह ब्रायन क्रेब्स द्वारा दिया गया है, ठीक है। चले अगला देखें। हाल ही में किस देश की संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संघार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। पारिस्थितिकी संघार अर्थात इकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन जो है इसे राष्ट्रीय, यदि आप पर्यावरण को नुकसान करेंगे तो वो भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में स्वीकृत होगा, ठीक है। मतलब क्रिमिनल बस नहीं, अगर आप क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं तो वो भी आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का अपराध कर रहे हैं। ऐसा बिल पारित करने वाला जो पहला देश है यूरोप का वो कौन सा बना है, अभी बेल्जियम बना है। क्या है इसका आंसर, बेल्जियम, ठीक है ना। तो बेल्जियम के बारे में कुछ तथ्य हो जाएं। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है ना, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स इसलिए भी फेमस है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब आप पढ़ेंगे कभी तो आपको ब्रुसेल्स उसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ब्रुसेल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरी चीज, आपको कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि बेल्जियम देश की सीमा कितने अन्य देशों से मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने अन्य देशों से भी मिलती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में देखने के बाद जरूर बताएं, ठीक है। तो ब्रुसेल्स जो है इसका राजधानी क्षेत्र है। यहां पे तीन भाषाएं बोली जाती हैं, एक तो डच, दूसरी फ्रेंच और तीसरी जर्मन। तो डच, फ्रेंच और जर्मन तीन भाषाएं यहां पे बोली जाती हैं। यहां के जो निवासी हैं वो बेल्जियन कहलाते हैं, ठीक है ना। यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे जो सरकारें हैं वो दो तरीके से हैं, यहां पे राजशाही भी चल रही है और लोकतंत्र भी है, ठीक है ना। तो राजशाही और लोकतंत्र दोनों का सम्मिलित रूप है यहां पे। लोकतंत्र संवैधानिक होने के साथ साथ क्या है, यहां पे राजशाही भी है। तो यहां पे राजा है, जैसे फिलिपी जो वर्तमान में राजा है वहां पे, और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, चार्ल्स मिकेल, ठीक है ना। तो चार्ल्स मिकेल जो है वो यहां के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चल नेक्स्ट। एक चीज आपको यहां पर देखिए, ये है ब्राजील, यूरोप में बेल्जियम, ये जो छोटा सा एक देश दिख रहा है इसे मैं कलर्ड कर देता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, ये जो आपको लाल दिख रहा है यहां पे मैप में, ये जो छोटा सा देश है, ठीक है, ये कौन सा है, बेल्जियम है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसकी जो सीमा है वो कितने अन्य देशों से लगती है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी इसकी एक सीमा को बनाता है और यहीं पे पास में इंग्लिश चैनल भी है, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक चीज यहां पे आप और याद रखिएगा कि बेल्जियम की जो करेंसी है, करेंसी वो क्या है, बेल्जियम फ्रैंक है। क्या है, बेल्जियम फ्रैंक, ठीक है ना। तो इसकी करेंसी जो है वो बेल्जियम फ्रैंक है और राजधानी क्या है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वेलिटी के लिए, जेंडर इक्विटी सॉरी जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी के लिए लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी, ठीक है ना। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसके अधीन एक लोगो और एक वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलें अगला क्वेश्चन, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अंतरदेशीय जहाजों के लिए हरित नौका निर्दिशा निर्देशों का अनावरण कब किया है, ठीक है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अनवील्ड ग्रीन सेलिंग गाइडलाइंस फॉर इनलैंड वेसल्स इन, तो ये अभी भारत सरकार के स्पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने जनवरी 2024 में, ठीक है ना, हरित नौका अधिनियम एक पारित किया है। हरित नौका अधिनियम है क्या चीज, आप थोड़ा सा इसे समझिएगा कि हरित नौका अधिनियम जो है ये मछुआरों ने सजेस्ट किया है। किसने सजेस्ट किया है, मछुआरों ने सजेस्ट किया है कि जब जहाज, बड़े जहाज पानी में जाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक कचरा बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई बहुत बड़ा जहाज अगर उसी मार्ग से जा रहा है, उसी के पीछे वो छोटे छोटे मछुआरे अपनी नाव लेके जा रहे हैं अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक कचरा होने के कारण उस जगह का बहुत सारा पानी दूषित हो जाता है और उसको पीने के कारण या उस पानी का उपयोग करने के कारण वो मछलियां भी खराब हो जाती हैं, उनमें कई तरह के रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम आप अपने वहां पे इतने बड़े कंटेनर लेके जाएं कि जब आप साइड लगे अपने पोर्ट पे लगे तो वहां पे उस प्लास्टिक को बाहर निकालें और जहाज से बाहर ना फेंकें, ठीक है ना। तो ये अभी उसके लिए हरित नौका का एक दिशा निर्देश दिया गया है जो मछुआरों ने सुझाया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये जनवरी 2024 में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग के टर्न आउट कार्यान्वयन योजना, ठीक है ना, टर्न आउट इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है, टर्न आउट इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है टिप, उसे इलेक्शन कमीशन ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य किया है, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके लिए एक योजना चला रही है कि भारत में जो वोटिंग परसेंट है वो बहुत कम रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। तो 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव होने हैं मई, अप्रैल और मई में, उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपना लक्ष्य जो है वो कितना रखा है, 70% का रखा है। कितना रखा है, 70% का रखा है, इसे याद रखिएगा। आप थोड़ा सा ऐसे याद रखें कि जब 2009 के चुनाव हुए थे, 2009 के चुनाव, तो उसमें जो वोटिंग परसेंट हुआ था वो था 58%, ठीक है ना, 2009 में। 2009 से 2014 तक आते आते भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस पर काफी काम किया और काम करने के बाद लगभग वोटिंग परसेंट को हमने बढ़ा के कितना किया, 8% इसमें बढ़ाया। तो 2014 वाले इलेक्शन हुए थे उसमें वोटिंग परसेंट था 58 से 8 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 66.6%, ठीक है ना। तो 66.6% जो है वो लगभग इस पर रहा। 2014 के बाद 2019 में ये केवल 1% के आसपास बढ़ा, तो ये बढ़ के हो गया 67.4%, ठीक है ना। ये अगली बार लगभग 1% के आसपास बढ़ा तो 67.4 2019 वाले में। अब 2024 का चुनाव सिर पे है तो इस पे लगभग हमको
2.5% के आसपास बढ़ा के 70% तक टोटल वोटिंग हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी इसमें टर्नआउट इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है, टर्नआउट कार्यान्वयन योजना को, इस पे जो लक्ष्य किया है वो कितना किया है, 70% तक ले जाने का लक्ष्य किया है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वर्ष 2024 का पहला जल्लीकट्टू 6 जनवरी को पुदुकोट्टई जिले के थचान कुर्ची गांव में आयोजित किया गया है। पुदुकोट्टई जिले के थचान कुर्ची में आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, यह बहुत फेमस रहा है जल्लीकट्टू, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी बीच में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और उसके बाद तमिलनाडु जो एनजीओ थे, बहुत सारे हिंदू संगठन, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लिया था और बाद में इसे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अभी जो मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसके आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं कि तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु का जो गठन है वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950, ये भारतीय गणित के शब्द लिखे हुए हैं, ये 2 और 6, ठीक है ना, 1950, ये भारतीय उस पे है, ठीक है ना, ये नया। इसकी राजधानी जो है और सबसे बड़ा शहर जो है वो चेन्नई है। यहाँ का जो सबसे बड़ा महानगर है वो कौन सा है, ग्रेटर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है। कुल जिलों की संख्या 38 है, वर्तमान में तमिलनाडु सरकार इसे चला रही है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है, रविंद्र नारायण रवि, कौन है, रविंद्र नारायण रवि जी हैं। और अभी के चुनाव तमिलनाडु में हुए थे तो वहां पे एमके स्टालिन जी की सरकार बनी है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि तमिलनाडु में दो पार्टियां काम करती हैं, ठीक है। वहां की जो प्रमुख पार्टियां हैं कौन कौन सी हैं, एक तो डीएमके है और दूसरी एडीएमके है, ठीक है ना। डीएमके का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और एडीएमके का अन्ना, आप अन्ना लगा के फिर इसी को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, एज इट इज, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के एमके स्टालिन जो है, के करुणानिधि के पुत्र हैं ये, के करुणानिधि, करुणानिधि, ठीक है ना, के करुणानिधि ने, डीएमके के संस्थापक है के करुणानिधि जी, और ये उनके सुपुत्र हैं एमके स्टालिन। इसका जो विधानमंडल है वो भी एक सदनी अर्थात केवल विधानसभा है। यहाँ पे लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं, और जो यहाँ का हाई कोर्ट है वो मद्रास उच्च न्यायालय है, ठीक है। चले ये देखिए, ये तमिलनाडु की स्थिति है। ये जो हरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। और तमिलनाडु की राजधानी ये यहां पे, ये चेन्नई है, ठीक है, ये चेन्नई लिखा हुआ है, ठीक। और ये जल्लीकट्टू उत्सव है, ये देखिए यहां पे इस सांड को इतने सारे लोग ऐसे नियंत्रित करने का काम करते हैं, और ये वहां पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसे बीच में लोगों ने बंद करने की काफी कोशिश की थी, पर वहां के एनजीओ और वहां के लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट से वापस जीता और पुनः अपनी परंपरा को इन्होंने यहां पे जीवित रखा है, ठीक है ना। तो जल्लीकट्टू उत्सव है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जीवन और व्यक्तिगत, याद रखिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 है, कौन सा है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, आर्टिकल 21 निरसित नहीं होता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी गहरा चिंतन व्यक्त किया है, ठीक है ना, ये चिंता प्रकट की है, ठीक है ना। और कौन सा अनुच्छेद इसकी रक्षा करता है, तो आर्टिकल 21 ही इसकी रक्षा करता है। चले अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा, इस समय भाजपा का मोदी जी के बाद दूसरा सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। और योगी आदित्यनाथ ने ही अपने जगह पे फायर स्टेशन, थोड़ा सा आप याद रखने के लिए ऐसे इसे याद रखिएगा कि फायर स्टेशन किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। चले थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का जो दर्जा मिला है वो 24 जनवरी 1950 को, कब मिल गया है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है ना। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है, सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है, और यहां पे कुल 75 जिले हैं, कितने जिले हैं, 75, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश सरकार यहां पे काम करती है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं, इसके पहले ये कहां की राज्यपाल थी, मध्य प्रदेश की थी, और इसके साथ ही बीच में ये गुजरात की अभी इनको प्रभार मिला था, तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की राज्यपाल थी, ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से विधायक भी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे दो है, एक तो विधान सभा है और दूसरी विधान परिषद है। विधान परिषद, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं, ठीक है, आपको यह याद रखना है। राज्यसभा की यहां पे 31 सबसे ज्यादा सीटें हैं पूरे भारत में, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें, ठीक है, 80 सीटें लोकसभा की हैं यहां से। चलिए, भारत में प्रतिवर्ष को कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब यह भी याद बताइए कि 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, लिख लीजिएगा इसे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है ना। और 2 मार्च को क्या मनाया जाता है, 2 मार्च को मनाया जाता है विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस, विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस, ठीक है ना। 3 मार्च को क्या मनाया जाएगा बताएं कोई, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है ना। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है, तो यहां पे आपको इसके याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया, 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है ना। Where was the 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization WTO held recently? तो ये अभी कहां हुई है, अभी हाल ही में हुई है, ये अबू धाबी में, कहां हुई है, अबू धाबी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है अबू धाबी, और उस अबू धाबी शहर में इसकी मीटिंग हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं अबू धाबी को अपन, ये है अबू धाबी, फारस की खाड़ी, ठीक है ना, ये जो जगह है ये है अबू धाबी, ठीक, और इस पे ये पर्शियन गल्फ से, पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी, याद रखिएगा इसे, फारस की खाड़ी, ठीक है ना। यहां पे अभी मीटिंग हुई थी, और इसकी जो करेंसी है अबू धाबी की जो करेंसी है वो कौन सी है, दिरहम है, ठीक है ना, दिरहम, इसे याद रखेंगे अपन, क्लियर। चले तो आज की क्लास लगभग यहीं तक है, ठीक है, कल की फिर अपन सुबह 6 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। और यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।